झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यशैली से प्रभावित होकर हाजी ताहिर हुसैन ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। विनोद किस्कू के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हाजी ताहिर हुसैन ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लाउड स्पीकर के साथ वहां पर पहुंचकर गाजे बाजे के माध्यम से आज पार्टी का दामन थामा और भविष्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनाने को लेकर कैसे रणनीति बनाई जाए इसको लेकर भी विचार विमर्श किया। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएमएम पार्टी ज्वाइन करते हुए हाजी ताहिर हुसैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जेएमएम पार्टी की ओर से मेरी आस्था पहले से ही थी, आज पार्टी से जुड़कर कार्य करने का अवसर मिल रहा है। आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों का झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर दिखेगा और निश्चित रूप से चुनाव में जेएमएम की जीत होगी और सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ समय जिला समिति के मिलन समारोह में आज बहुत खुशी का दिन है और खुशी खुशी हम लोगों को लग रहा है। आज हमारे पार्टी में हाजी ताहिर हुसैन साहब का आने से खासकर मेरा विधानसभा तो काफ़ी मजबूत हो गया और उसके साथ साथ पूरे रामगढ़ जिला में एक ऐतिहासिक पैदा हुआ है कि आज अल्पसंख्यकों ने इतना जोश खरोश के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो ज्वाइन हुआ है, पार्टी निश्चित तौर पर अव्वल होगी और झारखंड मुक्ति रामगढ़ जिला के आने वाले दिन में जो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और आने वाले दिन में आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे इस राज्य में। जय हिंद। 3 साल पहले ही मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई मेरी पत्नी के डेथ होने के बाद कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले घर घर जा कर के पूरे अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को इस पर जोड़ूंगा। साथ ही यहां से जितने भी हमारी कमेटी जो झारखंड में है सभी जगह दौरा करके मैं माननीय शिबू सोरेन जी और माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में पूरा अल्पसंख्यक पूरा मुसलमान झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ेगा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलन समारोह की बैठक है, जिला कार्यालय में रखी गई है और ताहिर हुसैन के नेतृत्व में लगभग हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन को थामने का काम किया है। रामगढ़ जिला समिति उन सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत करती है, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला समिति के द्वारा सदस्यता अभियान का शुरुआत पिछले महीनों से हम लोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि आज भी काफ़ी सदस्यता अभियान को हम लोग चला रहे हैं, लोग को जोड़ रहे हैं और आज से हम लोग जोश खरोश के साथ अभियान को चलाने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं। साथ ही साथ इस मीटिंग के बाद रामगढ़ जिला समिति का बैठक होगी, मुख्य रूप से जो इस सरकार के द्वारा जो जन विरोधी सरकार जो यहाँ के जनताओं को ठगने का काम कर रही है, उनकी जो सोच है उस सोच को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और रामगढ़ जिले के तमाम क्षेत्रों में उनके भी जहाँ भी जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रही है, उन सारे मामलों को गांव टोला क्षेत्रों में जाएंगे और भाजपा के तमाम नेताओं के बारे में पोल खोलने का काम हम लोग करेंगे। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें, हमारा संपर्क नंबर है 7870893999। कश्मीरी उलेन मेला आपके शहर में पहली बार उलेन फैशन को लेकर सीधा कश्मीर से चलकर आ गया। कश्मीरी गरम कपड़ों का विशाल भंडार सिर्फ आधे दामों पर 50% की भारी छूट के साथ। हमारे यहाँ फैंसी शॉल, स्टॉल, लेडीज जैकेट, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, जेंट्स जैकेट, उलेन बाबा सूट, कोरियन कंबल,
जयपुरी रजाई के साथ साथ उलेन वस्त्रों का विशाल संग्रह, वो भी आकर्षक दामों में। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ 100 रुपए में 3 मफलर, 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, साथ ही साथ 100 रुपए में 2 लेडीज शॉल भी उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता मेन रोड सुभाष चौक के निकट पायल होटल के नीचे दुर्गा मंदिर के सामने, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। जल्दी करें, ये डिस्काउंट सीमित समय के लिए।